ये न्यूज आज से बंद कर दीजिए कि हम कथा छोड़कर भागे, और जिन जिन ने ये न्यूज डाली है वो सॉरी बोले। तो हम आपको कहेंगे श्याम मानव जी, आपको अनुभव करना है तो दरबार में रायपुर में आइए, आगे बागेश्वर धाम पर लगेगा। पहली बात तो ये प्रत्येक मीडिया वाले और प्रत्येक व्यक्ति और जो भी वो अमुक हैं तथा कथित, उनसे आई रिक्वेस्ट कि हम बीच में कथा छोड़कर भागे ये बोलना बंद कर दें। हमने 2 दिन का दिव्य दरबार लगाया, तब वो क्यों नहीं आए? हमने 7 दिन की कथा की, एक भी व्यक्ति को चुनौती की बात लेकर या लेटर लेकर क्यों नहीं भेजा? इसका मतलब वह भगोड़ा और वह छोटी मानसिकता के लोग हैं। आने के बाद तो कोई भी भौंक सकता है, हम 23 को चले जाएं, फिर आप 24 को कहो कि हमने चुनौती दी इसीलिए पंडाल छोड़कर बागेश्वर सरकार भाग गए ठटरी के बरे। नागपुर में पहले उस पूरे विषय को हम क्लियर कर देते हैं और इसको जरूर उन तक पहुंचा दीजिए। हमारे पास तो उनकी चुनौती बाद में आई है, हमारी बात आपसे प्रार्थना पूरी मीडिया से। पहली बात तो ये प्रत्येक मीडिया वाले और प्रत्येक व्यक्ति और जो भी वो अमुक हैं तथा कथित, उनसे आई रिक्वेस्ट कि हम बीच में कथा छोड़कर भागे ये बोलना बंद कर दें। हमारी कथा 7 दिन तक की ही थी, उसका स्क्रीनशॉट 3 तारीख का न्यूज पर बागेश्वर धाम ऑफिशियल पेज पर 3 जनवरी को पहले से ही डेट घोषित कर दी थी कि हम केवल 7 दिन की कथा करेंगे, क्योंकि हमारे गुरुदेव का जन्मोत्सव था और आगामी सभी कथाएं 7-7 दिन की 2-2 दिन घटाई गई क्योंकि फरवरी में हमारे यहाँ यज्ञ है। दूसरी बात, हमने 2 दिन का दिव्य दरबार लगाया, तब वो क्यों नहीं आए? तीसरी बात, हमने 7 दिन की कथा की, एक भी व्यक्ति को चुनौती की बात लेकर या लेटर लेकर क्यों नहीं भेजा? इसका मतलब वह भगोड़ा और वह छोटी मानसिकता के लोग हैं। आने के बाद तो कोई भी भौंक सकता। अब यहां पर पहले 9 दिन की कथा थी, 25 तारीख तक, यहां भी बता देते हैं 23 तारीख तक है, हम 23 को चले जाएं, फिर आप 24 को कहो कि हमने चुनौती दी इसीलिए पंडाल छोड़कर बागेश्वर सरकार भाग गए ठटरी के बरे। 2 दिन का दरबार लगा, आप आए नहीं, आपने कोई हमारे पास जानकारी नहीं भेजी, आने के बाद आपने भेजा। दूसरी बात, हमारे बागेश्वर बालाजी के दरबार में न बुलावा है, न दावा है, न दक्षिणा है, फिर बवाल क्यों? हम आपसे पूछते हैं, भारत के लोगों से पूछते हैं, और मीडिया में जरूर चलाइएगा, तो मैं सौगंध है सनातन धर्म की, जिन्होंने ये चुनौती दी उनको भी प्रार्थना है आप हमारी बात को बहुत गंभीरता से सुने। तो दूसरी बात, न दावा न बुलावा। तीसरी बात, हम अंधविश्वास कब फैला रहे जब दक्षिणा ही नहीं लेते? तो अंधविश्वास कैसा, जब हम कोई रुपया नहीं लेते, शुल्क नहीं लेते, निशुल्क में जो हमारे पास कृपा है उसका प्रचार गुरु कृपा से कर रहे हैं, हमें हनुमान जी ने चुना है। हम ये तो कहते नहीं कि हम चमत्कारी आदमी हैं, ये भी नहीं कहते कि हम ईश्वर हैं, हम ये भी नहीं कहते कि हम कोई समस्या दूर कर सकते हैं, पर हम ये कहते कि हमारा इष्ट दूर कर सकता है। जैसे माता पिता अपने पुत्र की तबीयत खराब होने पर प्रार्थना करता है, तो हम गुरु के नाते पूरे विश्व की प्रार्थना करते हैं। ना बुलावा ना दावा ना हम दक्षिणा लेते, तो अंधविश्वास तो हम फैला नहीं रहे, 2 क्लियर हो गए। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या, हनुमान जी को मानना, हनुमान जी की बात को फैलाना, हनुमान चालीसा का उपाय बताना, भारत देश में अंधश्रद्धा है? बोलिए बोलिए बोलिए, नहीं है। तो फिर आप हमारे ऊपर जो आपने कहा कि हम FIR करें, किस स्तर से करेंगे, किस उद्देश्य से करेंगे? हम भी कानून के अंतर्गत हैं, हमारे पूर्वजों ने स्वीकार किया है संविधान, हम साहर्ष उस संविधान के अंतर्गत ही चलेंगे ऑल लाइफ। तो हनुमान जी की पूजा करना अगर अंधश्रद्धा है, तो भारत के जितने भी हनुमान भक्त हैं सब पर FIR होनी चाहिए। 20 और 21 को यहां दरबार लगना। पहली बात तो आप वहां के दरबार में आए नहीं, तो ये न्यूज आज से बंद कर दीजिए कि हम कथा छोड़कर भागे, और जिन जिन ने ये न्यूज डाली है वो सॉरी बोले, क्योंकि हमारी कथा 7 दिन की थी, हमारे पास प्रमाण है, प्रूफ है। 3 तारीख को हम पहले ही ये कह चुके कि हम 7 दिन की कथा है, सब कथाएं हमने 2-2 दिन की काट दी, ठीक है। तो हम आपको कहेंगे श्याम मानव जी, आपको अनुभव करना है तो दरबार में रायपुर में आइए, आगे बागेश्वर धाम पर लगेगा, वहां आइए।